निकाली गई है। अगर आप 8वीं पास है, अगर आप 10वीं पास है, या फिर आपके पास कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन लेटर को कैसे सेंड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, आपके फीस क्या रहेगी, टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत। इसके बाद देखिए वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, टोटल जो 6 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जो कि दोस्तों आपको पीएन की, एडिशनल पीएन की, चौकीदार की, वाटरमैन की देखने को मिलती है। इसके बाद आपकी सैलरी दी गई है। तो दोस्तों, आपकी जो सैलरी है वो 16,900 से लेकर 53,500 तक रहेगी। हालांकि दोस्तों, अब इसके बाद देखिए काफी सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। सबसे पहले आपको एड्रेस बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीटी रोड, पानीपत। दोस्तों, ये आपका एड्रेस रहेगा। हालांकि ये एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 8वीं पास आउट आपको होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास आउट हैं, तो आप इनके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एज लिमिट्स की बात करते हैं, तो देखिए आपकी जो उम्र 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, आपकी जो उम्र का कैलकुलेशन है वो 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 को होगा। यानी कि 1 जनवरी को आपकी जो उम्र है 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद अगर लास्ट डेट की बात करते हैं, तो देखिए 3/3/2023 यानी कि 3 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। 3 मार्च को शाम 5 बजे से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो कोर्ट में पहुंच जाना चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पहले से बता देता हूँ यानी कि इंटरव्यू कहाँ पर होगा। जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जीटी रोड, पानीपत, यहाँ पर आपके इंटरव्यू होंगे। डेट्स की बात करते हैं, तो 13 तारीख से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। आपके जो इंटरव्यू है दोस्तों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि अगर आपके नाम की स्पेलिंग ABCDEF इनसे शुरू होती है, तो आपके जो इंटरव्यू है 14 तारीख होंगे। इसी तरह से जी से लेकर एल तक के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके इंटरव्यू 14 तारीख को, MCQ के कैंडिडेट्स के 15 तारीख को, RTUV के कैंडिडेट्स जो हैं उनके 16 तारीख को, और दोस्तों बाकी जितने बच गए उनके 17 तारीख को। हालांकि दोस्तों, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिला सैनिक बोर्ड के आप सदस्य हैं, तो दोस्तों आपके जो इंटरव्यू 18 तारीख को यानी कि सैटरडे को होंगे। इंटरव्यू टाइम दोस्तों सबका सेम रहेगा, 1:30 बजे आपका इंटरव्यू शुरू होगा यानी कि 1:30 पर, रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का रहेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू के दौरान आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। एप्लीकेशन लेटर के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अगर उनकी बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सभी आपको सेंड करने होंगे। और दोस्तों, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपका जो लेटर है इनकम्प्लीट पाया गया, कटाफट पाया गया, या फिर लास्ट डेट के बाद पहुँचता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको आने जाने के लिए कोई भी TA या फिर DA नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखिए दोस्तों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, 1 पेज का, बिल्कुल सिंपल सा और बिल्कुल आसान सा एप्लीकेशन फॉर्म है। डाउनलोडिंग की बात करते हैं, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, उस लिंक से आप इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और दोस्तों भेज सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत, नीचे चलकर यहाँ पर अगेन लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी होगी। आपकी फोटो दोस्तों रिसेंट होनी चाहिए यानी कि पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई फोटो होनी चाहिए, कलर्ड फोटो होनी चाहिए। इसके बाद ये बायोडाटा लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जितनी जानकारी है, जो जो पूछी गई है, वो सभी फिल करनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना नाम बताना यानी कि आपका जो नाम है वो डालना होगा। इसके बाद आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मैच होनी चाहिए, आपका सेक्स, आप मेल है फीमेल है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 8वीं की है, 10वीं की है, 12वीं की है, जो भी की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट आपको सभी सेल्फ अटेस्टेड भेजने हैं यानी कि उन पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। यहाँ पर पहले आपके जो परमानेंट एड्रेस है और क्रोसपोंडेंस एड्रेस है वो आपको डालना होगा, आपके हाउस नंबर, आपका विलेज, टाउन, सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, आपका स्टेट, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। दोस्तों जानकारियाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जर्नल से, OBC से, SC से, वो डालेंगे। नेशनलिटी में आपको सिर्फ इंडियन लिखना होगा। मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको डालनी होगी, एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक वैलिड मेल आईडी आप फिल करेंगे।
अगर आपको काम से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने पीएन की नौकरी, चौकीदार की नौकरी कहीं पर पहले की थी, तो दोस्तों उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी, आज की अपडेट। आई होप कि आपको वैकेंसी पसंद आएगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस लेटर को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब